नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो फैंटम एक्स वर्सेस ओप्पो F21 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Phantom X में 6.44 इंच जबकि F21 Pro 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Phantom X से कम है। विड्थ की बात करें तो Phantom X में 2.9 इंच जबकि F21 Pro 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Phantom X से कम है। बात करें थिकनेस की तो Phantom X में 0.34 इंच जबकि F21 Pro 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Phantom X में 201 ग्राम जबकि F21 Pro 5G में 173 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Phantom X में सुपर AMOLED जबकि F21 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Phantom X में 19:5:9 जबकि F21 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Phantom X में 6.7 इंचेस जबकि F21 Pro 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Phantom X में 1080x2340 और F21 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Phantom X में 91.25% जबकि F21 Pro 5G में 85.28% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Phantom X में 385 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F21 Pro 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Phantom X में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और F21 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Phantom X में डुअल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और F21 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Phantom X में माली G76MC4 जबकि F21 Pro 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Phantom X में MediaTek Helio G95 और F21 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Phantom X में 256GB जबकि F21 Pro 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Phantom X में अप टू 512GB जबकि F21 Pro 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Phantom X में Android V11 जबकि F21 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Phantom X में 4700mAh जबकि F21 Pro 5G में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
फैंटम बाय 1 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें F21 Pro 5G की तो वो 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो फैंटम एक्स में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो F21 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में फैंटम एक्स आगे है, मेन कैमरा में F21 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F21 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 6 5G है, दूसरा Realme 9 Pro Plus 5G है, तीसरा Realme GT 2 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V23 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।